नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी सुरभि चबाना और आज हम बात करने जा रहे हैं उस खूबसूरती की, उस प्राकृतिक निखार की, नेचुरल ग्लो की, जो एक छोटे से बच्चे में पैदा होते ही होती है ना। जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके गाल लाल लाल होते हैं और जो स्किन है बड़ी सॉफ्ट सी, नाजुक सी होती है और उसको छुओ तो ऐसे लगता है जैसे कि रुई, जैसे कि कोई बिल्कुल पर जैसे फेदर्स होते हैं, वो मुलायम होती है उसकी स्किन। और उसको कोई भी मेकअप की जरूरत नहीं होती उस बच्चे को, कोई क्रीम की, ब्लीच की या किसी भी तरह की कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल ग्लो होता है, एक नेचुरल खूबसूरती होती है जो कि डिवाइन ने उसको दी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम उस डिवाइन खूबसूरती के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। किसी के बाल ब्राउन है तो वो काले कर लेते हैं, जिसके काले हैं वो ब्राउन कर लेते हैं, आंखों को जो है कोई कोई जो है लाइनर्स के साथ अलग अलग शेप्स दे देता है, आईब्रोज जो प्रकृति ने दिए हैं उसको शेपिंग हो जाती है। फीमेल्स और मेल दोनों ही, मैं दोनों जेंडर्स के बारे में बात कर रही हूँ। आज जिसके बारे में मैं आपके लिए एक स्विचवर्ड फ्रेज लेके आई हूँ, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। इतना ध्यान रखिएगा, कहीं मत सोचिएगा बाई चांस कोई अगर मेल देख रहे होंगे तो सोचेंगे ये वीडियो शायद हमारे लिए नहीं है तो हम तो इसको स्किप कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये जितने भी मेल हैं और जितने भी फीमेल्स हैं, ये हर किसी के लिए ये जो मैं स्विचवर्ड फ्रेज देने जा रही हूँ, आज का जो ये स्विचवर्ड फ्रेज है, ये आपको वही जो एक बच्चे में अनछुई सी, एक अनछुई सी कोमलता, एक ग्लो, एक खूबसूरती, एक रौनक होती है, वो आपको इसको चैंट करने से और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं भी अभी आपको बताने जा रही हूँ आज के वीडियो में हमें देखने का मिलेगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे वापस आऊं, जो बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपकी अपनी सुरभि चबाना, आपकी स्विचवर्ड्स मास्टर। हमेशा आपके लिए मैं आपकी इच्छा अनुसार अलग अलग स्विचवर्ड्स लेके आती रहती हूँ, मैजिकल स्विचवर्ड्स जो कि आप जिनको की उपयोग करते हैं और कमेंट बॉक्स में पढ़ के मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है जब मैं ये देखती हूँ कि आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। एंड व्हेन यू स्टार्ट क्लेमिंग द स्विचवर्ड मंत्रा, मेरे दिए गए उपाय को जब आप क्लेम करते हैं, इवन मेरी बताई हुई टैरो रीडिंग के जो प्रेडिक्शंस है उसको आप क्लेम करते हैं तो मुझे बेहद ही खुशी होती है। तो अगर आपने इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, या हो सकता है आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते देखते होता है ना, बेख्याली में वीडियो देख लेते हैं और फिर हम दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाइएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा अगर आप मेरे वीडियोस और देखना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको और स्विचवर्ड्स चाहिए और रेमेडीज चाहिए और टैरो रीडिंग, सिजिल, क्रिस्टल, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको चाहिए, आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो है और भी हमको मन करता है, हमारा मॉरल बूस्टअप होता है और हमको लगता है कि नहीं, हमें अपने व्यूअर्स के लिए और काम करना है। हा? और जहां पे मैं देखती हूँ कि किसी को मैंने ये स्विचवर्ड दिया और उसको वो मैजिकली काम करा तो वो मैं आपको दे देती हूँ। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो YouTube पे मैं आपको स्विचवर्ड फ्रेजेस बताती हूँ, ये यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल जो हर किसी को सूट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सबके सिचुएशन सेम हो। जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि वो जो नेचुरल ग्लो है, वो जो एक कोमलता है, वो एक जो छोटे बच्चे के अंदर जो एक अट्रैक्शन होता है, और छोटे बच्चे को कोई क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल चीजें होती है, एक नेचुरल एक
खिंचाव होता है जो हमें बरस पर उस बच्चे को गोद में लेके उसको प्यार करने में मजबूर कर देता है। हम उसके गाल सहलाते हैं, हम उसके बाल सहलाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और अगर वो खूबसूरती चाहिए तो उसके उसको सोच के मैंने ये यूनिवर्सल स्विचवर्ड फ्रेज जो है फ्रेम किया है। लेकिन क्या होता है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग भी कई बार होती है। अब कोई शायद भगवान ना करे बीमार है, या फिर किसी को किसी चीज की डेफिशिएंसी है, है ना, या किसी की जो है कोई मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फ्रेज के साथ हमें कुछ फेर बदल करनी पड़ जाती है, क्योंकि उसको कस्टमाइज करना होता है ना। अगर आप कस्टमाइज स्विचवर्ड फ्रेज चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मेरा नंबर है 9818130040। ऑब्वियसली पेड सर्विस है, आप पे करके अपने लिए कस्टमाइज स्विचवर्ड फ्रेज जो है फ्रेम करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस आते हैं अपने जो है उस डिवाइन ग्लो के लिए, डिवाइन ग्लो पे जो हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से, बुक कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है फटाफट उसको ले आइए और लिख लीजिए जो मैं बता रही हूं। ले आए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि ये यूनिवर्सल है, कस्टमाइज चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और जिस तरह से इसका उपयोग बता रही हूं उपयोग भी मैं कस्टमाइज हर किसी को अलग अलग बताती हूँ। स्विचवर्ड फ्रेज सबसे पहले डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, ब्लेस, BLESS, ब्लेस, ग्लो, GLOW, ग्लो, चार्म, CHARM, चार्म, डिवाइन, ब्लेस, ग्लो, चार्म, अरे डिवाइन, ब्लेस, ग्लो, चार्म, ठीक है, ये आपका स्विचवर्ड फ्रेज है। अब इसको आपको क्या करना है, आप इसको पिंक कलर से इसका एक ईसी बना सकते हैं, इनर्जी सर्कल पिंक, डोंट यूज रेड, यू हैव टू यूज पिंक, और अच्छे से ध्यान लगा के कहीं पे नोट कर लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछते हैं कौन से कलर से, तो वो फिर गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पिंक कलर के पेन से आपको एक एनर्जी सर्कल बनाना है, उसमें आपको ये स्विचवर्ड फ्रेज लिखना है, और उसके अंदर अपना नाम कैपिटल लेटर्स में और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी लिखना है, और उसको आपको एवरी 15 डेज आपको चेंज करना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है, दीवार पे चिपका देना है, और हर 15 दिन के बाद आपको उसको जो है बर्न करके दोबारा से नया बना के लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो कॉस्मेटिक्स हैं, आपकी कॉस्मेटिक्स में जितनी कॉस्मेटिक्स में आप लिख सकते हैं आप इस स्विचवर्ड फ्रेज को लिखेंगे। ठीक है, अगेन पिंक कलर से, फिर अगर आप, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी होती हैं उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक जो है पिंक कलर का पेपर ही लेंगे, वो पिंक कलर के वो स्टिकर्स आते हैं ना, पेस्टिंग शीट्स आती हैं, छोटी छोटी सी स्लिप्स आती हैं, तो उनके ऊपर, उसके ऊपर आप ये लिखेंगे और अपनी कॉस्मेटिक्स के ऊपर उसको चिपका देंगे, जस्ट लाइक सेलो टेप जैसे चिपकाते हैं। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई मेकअप का बैग होगा, कोई मेकअप बॉक्स होगा जिसमें आप सारे सामान रखते होंगे, उसके ऊपर भी अंदर आप इसको लिख के चिपका दीजिए, जिससे कि ये एनर्जाइज होता रहेगा। इसके साथ साथ में अगर आपके पास रोज क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स के टम्बलर्स हैं या ब्रेसलेट है, कोई भी चीज है आपके पास, तो उसको भी अपने मेकअप पाउच में या बैग में या बॉक्स में आप अपने कॉस्मेटिक्स के साथ में उसको भी रखें। ठीक है, तो ये जो है ये स्विचवर्ड फ्रेज आपके क्रिस्टल्स के साथ
आपकी कॉस्मेटिक्स को एनर्जाइज करता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मैंने आपको बता दिया ईसी बनाना है, दूसरा आपने कॉस्मेटिक्स के ऊपर लिखना है और कॉस्मेटिक बॉक्स में बना के लिखना है, तीसरा एवरी डे व्हेन एवर यू टेक बाथ, नहा के जब आप बाहर निकलते हैं, इवन नहाते टाइम भी जो है आप मन ही मन उसको चैंट को अंदर ही अंदर रिपीट करते रहिए, और नहाने के बाद भी जब आप अपना मेकअप कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, ये आपको मॉर्निंग में ही करना है ये सारा का सारा, बस एक ही बार करना है, सारा दिन नहीं करना। ये नहीं कि आप सारा दिन करते जा रहे हैं, सारा दिन करते जा रहे हैं, नो, मॉर्निंग में जब आप नहा के निकलते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, और उस वक्त आपको मेकअप करते टाइम, तैयार होते टाइम, अपने कोम करते टाइम, काजल लगाते टाइम, लिपस्टिक लगाते टाइम, वो जो मेल है अपना परफ्यूम लगाते टाइम, इत्र लगाते टाइम, या जो है आप लोग भी तो मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते ही हैं, जेल भी लगाते हैं आफ्टर शेविंग, उस टाइम आप इसको चैट करते रहिए। जो जेंट्स हैं वो अपनी शेविंग के उसके ऊपर, शेविंग किट के ऊपर लिख सकते हैं, अपनी शेविंग की बॉटल पे लिख सकते हैं, यकीनन आप देखिएगा अगर आप इसको रिलीजियसली करते हैं ना। देखिए कोई भी चीज रिलीजियसली नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़े दिन काम आएगी, फिर वो डल हो जाएगी, बट आपको यू हैव टू डू इट एवरी डे। आप ये मत पूछिएगा कितने दिन करेंगे तो असर नजर आएगा, यू हैव टू कीप डूइंग फेथ होप, क्योंकि कोई भी चीज फेथ और होप के बिना की जाए तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होती है। और अगर बीच में छोड़ दी जाए, एक दिन किया, दो दिन नहीं किया, तो भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो देखिए ये आपके लिए है, आपके अपने के लिए है, तो आप करिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आपको करते रहना होगा थ्रू आउट। खूबसूरती तो थ्रू आउट चाहिए ना आपको, वो ग्लो तो थ्रू आउट चाहिए ना आपको। तो चलिए शुरू हो जाइए, निकालिए पेपर पेन, पिंक पेपर एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, और ये जो आपको मैंने अभी बताया है स्विच वर्ड फ्रेज, इसे आप अपनी जिंदगी में लेके आइए, और वो जो एक ग्लो है ना, वो एक नेचुरल ग्लो, डिवाइन ग्लो, वो पाइए। अभी के लिए मेरे को आगे दीजिए, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी, बट यस इट इज अ पेड सर्विस, प्लीज शर्मिंदा मत किया करिए। आप फ्री उसको लिख कर कि हमें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, ये सब मत कहा करिए। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए भी आपने नेट पैक डाला है, वो फ्री में नहीं आता, क्योंकि फ्री के एनर्जीज की कोई कीमत नहीं होती। कोई किसी को फ्री में कुछ बताएगा ना, वो उसके रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अगर मैं अपनी एनर्जीज आपको दे रही हूं तो आपको भी मुझे अपनी एनर्जीज देनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं खाली हो जाऊंगी ना, माइंड खाली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका ग्लो, इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच।